खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। भ्रष्टाचार शब्द लोगों के आचरण से जुड़ा है। लोगों के आचरण में पेट जमा चुकी भ्रष्टाचार का समूल उपचार सरकार के साथ समाज और उसमें रहने वाले लोगों को ही करना होगा। बेमन से ही सही पर व्यवस्था में ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रहे भ्रष्टाचार को खत्म करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। ऐसी ही एक कोशिश उस व्यक्ति ने भी की जो सोए हुए नागरिकों को जगाने उनके हक के लिए लड़ने की कोशिशें करता रहा है। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए एक ऐसे मंदिर का निर्माण करा दिया जिसमें कि भ्रष्टाचारी नेताओं का जाना मना है। कानपुर विश्वविद्यालय के पीछे स्थित इस मंदिर का नाम है भ्रष्ट तंत्र विनाशक शनि मंदिर। मंदिर के निर्माण के बाद उसका लोकार्पण पवन राणे वाल्मीकि नामक निःशक्त व्यक्ति से कराया गया। निजी जमीन पर बने इस शनि मंदिर में मूर्तियों को भी तर्कों के आधार पर स्थापित किया गया है। शनि देव की 3 मूर्तियों के साथ ब्रह्मा की मूर्ति ऐसी रखी गई है जिससे लगता है कि ब्रह्मा सीधे शनि देव की तरफ देख रहे हों। इन मूर्तियों के साथ ही एक मूर्ति हनुमान की भी स्थापित की गई है। मंदिर में अधिकारियों, मंत्रियों, नेताओं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तस्वीरों को इस तरह लगाया गया है कि शनि देव की सीधी निगाह उन पर पड़ी रहे। इसके पीछे का मकसद बस इतना है कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में जिम्मेदार इन लोगों द्वारा जनता विरोधी निर्णय लेने की स्थिति में इन्हें शनि देव का कोपभाजन बनना पड़े। भ्रष्ट तंत्र विनाशक शनि मंदिर में सामान्य नागरिकों का प्रवेश मान्य है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों, न्यायाधीशों का प्रवेश वर्जित है। इसके साथ ही ये प्रावधान किया गया है कि 20 वर्षों के समय में अगर व्यवस्था में सुधार होता है तो इन वर्जित वर्गों को भी मंदिर में प्रवेश मिल सकता है। शनिदेव के इस मंदिर में मूर्तियों के ऊपर तेल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना और घंटा बजाना निषिद्ध है। इसके साथ ही शराबियों का यहाँ प्रवेश, थूकना, खैनी चबाना आदि घृणित कृत्यों की सूची में रखे गए हैं। भ्रष्ट तंत्र विनाशक मंदिर का निर्माण करवाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रोवी का उद्देश्य है कि लोग भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं, मंत्रियों और न्यायाधीशों को भगवान ना समझकर उनका बहिष्कार करें। शायद इस बहिष्कार से वो अपनी सोई हुई अंतरचेतना की आवाज़ सुनकर सुधार की ओर अग्रसर हो सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर स्टेशन।